हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास SHI। सो आज हम डिस्कस करेंगे ओडिशा SSB कॉमर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हमारा SSB साइट में अवेलेबल है। 2016 का 50 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चंस देखिए, व्हेन द डेब्ट टर्नओवर रेशियो इज 4, व्हाट इज द एवरेज कलेक्शंस पीरियड? 3 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ। यहाँ पे 3 मंथ 2 बार रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर है 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका राइट आंसर है नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज हाई पे आउट रेशियो इंडिकेट? ए हाई अर्निंग पर शेयर, द मैनेजमेंट इज नॉट प्लॉगिंग बैक एनफ प्रॉफिट, द मैनेजमेंट प्लॉगिंग बैक प्रॉफिट, द कंपनी अर्निंग हाई प्रॉफिट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द मैनेजमेंट इज नॉट प्लॉगिंग बैक एनफ प्रॉफिट। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चंस देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज टू ऑब्जर्व द ट्रेंड, टू मेक द डाटा सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चंस देखिए, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग द मशीन्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ installations is capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure, none of the above. इसका right answer है capital expenditure. Next questions देखो, 6 नंबर, how are the following items arranged in the liability side of the balance sheet of the company? इसमें पहला आएगा share capital, दूसरे में आएगा reserve and surplus, तीसरे में आएगा secured loan, चौथे में आएगा unsecured loan, पांचवे में आएगा करेंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल कैश फ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट शुड नॉट यूज द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग परचेज? मैनेजमेंट किस लिए यूज नहीं करेगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को, क्यों नहीं यूज करेगा? टू डिटरमाइन डिविडेंड पॉलिसीज, टू डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, टू डिटरमाइन द बैलेंस इन अकाउंट रिसीवेबल, टू डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। इसका करेक्ट आंसर है टू डिटरमाइन द बैलेंस इन अकाउंट रिसीवेबल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशंस, ब्रेक इवन एनालाइज बाय सेल्स, प्रॉफिट बाय सेल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो आर टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय ए बैंकर बिफोर द सैंक्शनिंग ऑफ द लोन? एक बैंकर कौन से लोन को चेक करेगा पहले, किस लोन को पहले देखेगा? आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, डेब्ट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, इफ द टोटल कॉस्ट इज ₹260 एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ₹60, व्हाट विल बी द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इफ आउटपुट इज 100 यूनिट्स एंड 200 यूनिट्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 200 एंड 200। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय मार्जिनल कॉस्टिंग इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू, ओपनिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल एंड रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, इन ए फैक्ट्री ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूजिंग फिफो मेथड वॉज 7000 यूनिट्स ड्यूरिंग ए पीरियड व्हिच वॉज 500 यूनिट्स, 60% complete on hand at the start and 600 units, 75% complete at the end of the period, how many units were completed? इसका right answer है option number D, 7150। Next question 14 नंबर question, the document which describes the budgeting organization producers एक्सेट्रा इज नोन एज बजट सेंटर, प्रिंसिपल बजट फैक्टर, बजट मैनुअल, जीरो बजट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बजट मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी इज
₹20 स्टैंडर्ड कंजप्शन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 5 kg, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स इज ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 12,000, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी 10,000। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 10,000। Which method of costing is used in mass production industries? Job costing, batch costing, contract costing, process costing. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। इन प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल गेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नॉर्मल लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। पीवी रेशियो इज 0.6 एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹20, द सेलिंग प्राइस इज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ₹50। क्वेश्चन नंबर 19। ए प्रोसेस लॉस दैट डज नॉट अफेक्ट द कॉस्ट पर यूनिट इज अबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, स्टैंडर्ड लॉस, सीजनल लॉस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। इंडिकेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टेलर्ड टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। द पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स इज कंपलसरी फॉर सोल ट्रेडर्स, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉइंट स्टॉक कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाइकेट लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 23। पाथ गोल मॉडल ऑफ लीडरशिप इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, सिचुएशनल लीडरशिप, कंडीशनल लीडरशिप, सक्सेसफुल लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिचुएशनल लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन व्हिच ईयर फीमा एक्ट वाज पास्ड, 1969, 1973, 2002 and 1999। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द वर्ड्स कम्युनिकेशंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस, कम्युनी, कम्युनिकेट, कॉमन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कम्युनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। क्रिटिसिज्म इज मैच्ड टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। अल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी इज एन एक्सटेंशन ऑफ एक्स वाई थ्योरी, जेड थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी, बूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीड हायरार्की थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following is not associated with M.C. Sealand needs theory? Right answer है option D perceptions motive. Question number 29. Theory Z is related to motivations. Option B. Question number 30. Premature evaluation and inattention is related to option number A psychological barrier. Option B सिमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबल इवेंट्स टू प्रोवाइड अगेंस्ट द फ्यूचर इज टर्म्ड एज फोरकास्टिंग, प्रोग्रामिंग, रिकॉर्डिंग, सर्चिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फोरकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 32। हु हैज सेड प्लानिंग इज फंडामेंटली चूजिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एमसी फारलैंड। क्वेश्चन नंबर 33। ए प्लान व्हिच स्पेल्स आउट स्पेसिफिक रिक्वायर्ड एक्शंस और नॉन एक्शंस एंड अलाउज नंबर डिसर्टन्स इज नोन एज स्ट्रैटेजी, रूल्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूल। क्वेश्चन नंबर 34। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 35। The term span of management is also known as span of control, span of authority, span of suspense, all of the above. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए span of control. Next question 36 नंबर। Centralization is a natural tendency, rational approach, planned approach, democratic approach. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी planned approach.
क्वेश्चन नंबर 37। मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकोमोलिश डिजायर्ड गोल्स। दिस डेफिनेशन इज गिवेन बाय विलियम जी स्क्रोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38। द स्टाफिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीड्स प्लानिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग डायरेक्टिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 39। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 40। थियोरी जेड ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विलियम जी ओची। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोटा सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 42। व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग द रिलेशनशिप अमंग द एवरेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन दिस केस ऑफ ओपन एंडेड क्लासेस व्हिच मेथड ऑफ डिप्रेशन इज प्रिफर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन। व्हाट इज द सिचुएशन इज ए नेगेटिवली स्क्वेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोड इज मैक्सिमम मीन इज मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। नंबर। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ सीक्वेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस के इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। व्हिच वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस डिस्क्राइब एज नो कोरिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 47। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला मे बी यूज टू स्टैंडर्ड एरर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस ई इज इक्वल टू वन माइनस आर का स्क्वायर बाय एन का रूट ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। नंबर। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डाटा ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर एट्रीब्यूट्स लिमिट्स पॉइंट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। नंबर क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैथमेटिकल एवरेज एरिथमेटिक एवरेज ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन मीडियन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मीडियन। इसका और 50 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी।